गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के जो कि 8 बज गए हैं। और नमस्ते दोस्तों, और नमस्ते दोस्तों, और नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिशा किचन में। तो आज है दशहरा, आज बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो मिथ्या स्कूल नहीं गई है, तो इन लोग का जो कि स्पेशल खाने का मन कर रहा है, तो आज जा रही चिचड़ा का भुजिया बनाने, साथ में पराठा भी, क्योंकि चिचड़ा मिथ्या को बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद है कि नहीं? हाँ, चिचड़ा ये स्कूल में भी लेती है, टिफिन बॉक्स में भी। तो चिचड़ा का जो कि सीजन अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि उसका गावा जो कि सूख गया है और बरसात भी ख़त्म हो गया है, बरसाती चिचड़ा लगाया गया था हमारे खेत में। तो चलते हैं खेत से ताज़ा चिचड़ा तोड़ते हैं और बनाते हैं एकदम चटपटी सी इसकी सब्जी। आज बाबू की बहुत मस्ती हो रही है, इधर देखिए। चलो बाबू, हम लोग आ यहाँ पे आ, देखो इधर है, इस साइड पपीते की साइड है। हाँ मिथ्या, तोड़ो, चलो इधर आओ। चिचड़ा तोड़ने में मुझे बहुत मजा आता है, मैं तोड़ने जा रही चिचड़ा। तोड़ो बाबू, तोड़ो बाबू, ये वाला तोड़ेगा, लो बाबू। आज दोनों बच्चे जो कि बड़ा परेशान कर रहे हैं सुबह सुबह, देखिए ये लो, रखो इसी में। आ बाबू, चलो बाबू और मिथ्या दोनों तोड़ेंगे आज, ये इन्हीं दोनों से सब्जी तोड़वाते हैं। आ जाओ, देखो तुम लोग के लायक है, तोड़ो यहाँ से। देखिए देखिए, आपको दिखा दो चीज़ें, देखिए थोड़ा सा खराब होते जा रहा है, मतलब सीजन खत्म हो रहा है ना, तो देखिए टेढ़ा उड़ा हो जा रहा है और बेकार भी हो जा रहा है ये। अरे बाबू, तो एकदम मुंडू से तोड़ लिया चिचड़ा। अब चलते हैं ऊपर, उधर उस साइड तोड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें उधर भी है। यहाँ पे देखिए मड़ई के पास भी आ गए हैं, और मड़ई के इधर देखते हैं चिचड़ा जो है तोड़ लेते हैं। इधर देखिए, आओ बाबू इधर देखते हैं, देखिए एक बड़ा सा ये रहा, इतना बड़ा नहीं पा पाओगे। आओ चलो तुम ही तोड़ो, देखिए बाबू कैसे तोड़वाती हूँ मैं। चल जा, तोड़ ला, ये रहा, दिख नहीं रहा, तोड़ो। ए ये जोर लगा के, हैया ये बाबू तोड़ लिया। आ देखिए बच्चों लोग को सब्जी तोड़ने में बड़ा मजा आ रहा है, दोनों बहुत परेशान कर दिए भाई। और देखो कहाँ है, तो अभी चिचड़ा जो देखते हैं ढूंढ ढूंढ के और तोड़ लेते हैं। इधर देखिए बाबू का, ये देखिए मस्ती हो रहा है एकदम, मड़ई में जब भी आते हैं दोनों बहुत मस्ती करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लेके चिचड़ा अपने चूल्हे के पास। आओ बच्चों चलो सब, चिचड़ा तोड़ने के बाद देखिए चूल्हे के पास मैं आ गई हूँ। अब चलते हैं सारी तैयारी कर लेते हैं सब्जी बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए चिचड़ा मैंने ले लिया है काफ़ी सारा, और इधर मैंने आलू प्याज हरी मिर्च लिया है। इधर बाबू देखिए, नमक चाटोगे, नमक ज़्यादा मत खाओ। और इधर देखिए सारा मैंने मसाला लिया है, तो इसमें से देखिए नमक थोड़ा चाट रहा है। इधर नमस्ते तो कर दो सबको, नमस्ते नमस्ते, और नमक चाटे जा रहा है। इधर देखिए चिचड़ा का जो दोनों तरफ का नोक हटा लेंगे, एक बार हम चख भी लेंगे, क्योंकि हमारा जो एक पेड़ है चिचड़े का बड़ा कड़वा आता है। ये सही लग रहा है, इसको रख देते हैं काट के। अगर एक भी कड़वा चिचड़ा निकल जाता है ना, अगर सब्जी में पड़ेगा तो पूरा सब्जी को जो कि कड़वा कर देता है, इसीलिए हम चख चख कर ये बनाएंगे चिचड़ा की सब्जी जो है। सारा चख लेते हैं और दोनों तरफ का नोक हटा कर काट लेते हैं, और बीच से दो भाग कर लेंगे, धोने में आसानी रहेगा इसको। इधर मैंने चिचड़ा को देखिए चख लिया है, एक भी कड़वा चिचड़ा जो कि नहीं निकला है। इसमें मैं आलू भी डालूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है चिचड़ा के साथ। तो अब इसको हम साफ पानी से धो लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने प्याज और हरी मिर्च भी लिया है। इधर सब चीज़ धोने के बाद देखिए चिचड़ा को हम गोल गोल पतला पतला एकदम काट लेंगे। और आपको बता दूं कि मौसम जो कि आज का बड़ा अच्छा रखा है, देखिए पीछे कितना एकदम सुहावना मौसम हो गया है, काले काले बादल और धूप आज बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से हम काट लेंगे सारी सब्जियों को, तड़का भी काट लेंगे, आलू भी काट लेंगे। इधर मैंने तड़का लगाने के लिए प्याज और हरी मिर्च काट लिया है, इधर मैंने थोड़ा सा आलू भी काटा है पतला पतला, और चिचड़ा को भी काट लिया है। चूल्हे में ईंधन को जला दिया है, अब रखते हैं कढ़ाई, अब सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई में देखिए यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, ये हमारे घर का तेल है, अच्छे से देखिए गर्म हो गया है, तो इसमें हम जीरा का तड़का लगा देते हैं। तो आधा चम्मच मैंने जीरा लिया, इसको डाल देते हैं, थोड़ा सा जीरा चटक जाने देते हैं, तब उसके बाद डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। जीरा देखिए चटक गया है बढ़िया सा, अब इसमें डाल देते हैं प्याज और हरी मिर्च डाल देते हैं। इसको बढ़िया सा भून लेते हैं प्याज और हरी मिर्च को लाल करके। प्याज देखिए बढ़िया से हमने भून लिया, हरी मिर्च को भी, अब इसमें डाल देते हैं कटा हुआ आलू। आलू मैंने डाल दिया, उसको चला दे रहे हैं। आलू थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसी में नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सब डाल देंगे। उसमें डाल लेते हैं नमक, नमक डालने से आलू जल्दी पकने लगेगा। तो स्वाद के साथ यहाँ पर देखिए नमक ये हमने डाल दिया है। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब इसको चला दे रहे हैं, अब डालते हैं चिचड़े को।
भुजिया डालने वाले उसको चला देंगे। इधर पराठा बनाने के लिए मैंने गेहूं काटा लिया है, तो आटे का जो भी डो हम गूंथ कर रख लेते हैं। और सब्जी को हमने ढक दिया है, धीरे पक रहा है, तो अभी मसाले उसमें डाल रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद डाल देंगे मसाले भी। तो सब्जी को ढके काफ़ी देर हो गया, इसमें सारे मसाला डाल लेते हैं। इधर देखिए पराठा बनाने के लिए मैंने चूल्हे पर तवा भी रख दिया है। सबसे पहले सब्जी में और बाकी जो मसाले बचे थे इसको डाल देते हैं, थाली को हटाते हैं, बस सब्जी को बना देते हैं। इधर देखिए जीजा काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, अब चलाने के बाद इसमें सारे मसाले डाल देंगे। यहाँ पर मैंने देखिए धनिया पाउडर लिया, इसको एक चम्मच डालेंगे, और आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, और थोड़ा सा डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से जो कि चूल्हे का सब्ज़ी जो है बड़ा अच्छा बनता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो साबुत धनिया, जीरा और सौंफ ये सब भून कर पीस कर डालेंगे तो सब्ज़ी जो कि बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर अगर ना हो अपने पास तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे सब्ज़ी जो कि चटपटी बनेगी। इसको चलाने के बाद धीमी आँच पर इसको ढककर पका लेंगे, और बीच बीच में सब्जी को चलाते रहेंगे कि लगे ना हमारा सब्जी। अब चलते इधर पराठा बनाते हैं। तो जो मैंने आटे का दो तैयार किया था सानकर, थोड़ा सा लोई लेते हैं हाथों में, इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे, इसको चिपटा कर देते हैं। बाकी खाना जो कि मैंने पहले ही बना लिया था, दाल चावल रोटी, तो थोड़ा सा देखिए मैं पराठा बना रही हूँ, क्योंकि बाकी खाना तो मैंने सुबह ही बना लिया था। बच्चों को खाने का आज मन था चिचिड़ा का भुजिया और साथ में पराठा। और इस समय जो कि त्यौहार चल रहा है दशहरा और नवरात्र भी था, तो छुट्टी था, स्कूल का दो तीन दिन छुट्टी है। इसमें देखिए दोनों तरफ से हम घी लगा दिए हैं, एक इस पर आधा लगाएंगे, इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे, हल्का से इसको दबा के इस तरीके से तिकोने साइज में इसको बेल लेंगे। इसको हम लोग तिकोना पराठा बोलते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको बेल दिया है हल्के हाथों से। अब इसको तवे पे डाल देते हैं और धीमी आंच पर दोनों तरफ से इसको सिझा लेंगे। इसको देखिए पलट लेते हैं, एक तरफ का लाल हो गया है। ऐसे ही हम और बाकी पराठे जो है कि लोई लेकर बना लेते हैं। अब इधर हम पराठे पे जो कि देसी घी लगा देते हैं दोनों तरफ से। देसी घी के जो कि पराठे जो है बड़ा मस्त लगता है खाने में, किसी भी भुजिया के साथ बनाइए, चाहे बैगन की भुजिया हो चाहे चिचिड़ा की भुजिया हो। अब इसको देखिए पलट दे रहे हैं, ये हमारे घर का देसी घी है, दूध रख लेते हैं हम लोग, और जो मलाई निकलता है इसको स्टोर करके हम फ्रिज में रखते हैं, फिर इकट्ठा करके घी निकाल देते हैं मारकर इसको अच्छे से। दोनों तरफ से मैंने घी लगा दिया, इसको उलट पलट कर बढ़िया से पका कर सिझा लेते हैं। इधर देखिए हमारा पराठा जो कि पक गया है, अच्छे से लाल हो गया, इसको हम उतार लेते हैं, बाकी ऐसे ही हम बना लेंगे। और चलिए इधर देखिए हमारा पराठा और चिचिड़े की सब्ज़ी जो कि हो गया है, और बिटिया रानी को देखिए बहुत तेज से भूख लग गई है पराठा देखकर। चलते हैं अब सब्जी और पराठा निकालते हैं। देखिए इधर एकदम चटपटी वाली सब्ज़ी हमारे चिचिड़े से बनकर रेडी हो गया है। पराठा निकालती हूँ बिटिया रानी को देते हैं, ये लो पराठा ले लो। और दो सब्जी नहीं, अभी बहुत गर्म है, आराम से खाना फूक फूक कर। बहुत गर्म है ना, फूक फूक के तुम्हारा तो सारा दांत टूट गया, कैसे खाओगी? इसका सारा दांत टूट गया दूध वाला। बहुत अच्छा बना है। अरे वाह, बिटिया आने को पराठा और चिचिड़े का जो कि भुजिया चटपटा, एकदम बड़ा मजा आ रहा है दोनों एक साथ खाने में। थोड़ा सा मुझे पराठा बनाना तो बना लेती, और चिचिड़े की सब्जी जो कि पक गई है। और इधर देखिए बिटिया आने एकदम चाव से देखिए पराठा और सब्जी एकदम ला खाए जा रही है। बाबू कहाँ है? टीवी देख रहा है। अच्छा, तो बाबू जो कि अभी कार्टून देखने में मस्त है, अंदर टीवी देख रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अब आपको अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इधर बाय 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 बाय।